और इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। विमान दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए तैयार था और विमान के सभी यात्रियों को ये सूचना मिलने के बाद नीचे उतारा गया, जांच पड़ताल की गई और पड़ताल के दौरान कोई संदिग्ध सामान वहां से नहीं मिला। और एयरपोर्ट तैनात एयरपोर्ट पर जो CISF की टीम है उनके सूत्रों के अनुसार टिश्यू पेपर पर लिखा हुआ था धमकी भरा इनपुट। इंडिगो के विमान संख्या 6211 से जुड़ा ये पूरा मामला। CISF की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही दिल्ली पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए FIR दर्ज के लिए तैयार है। और जांच पड़ताल में विमान में बॉम्ब होने की जानकारी मिलने के बाद विमान में मौजूद लोगों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया, विमान को आइसोलेशन सेंटर भेजा गया, वहां पर इसकी बाकायदा जांच पड़ताल हुई। आपको बता दें कि विमान संख्या 6211 से जुड़ा ये पूरा मामला है जहां पर बॉम्ब होने की सूचना मिली थी और इस जानकारी के साथ ही आइसोलेशन एरिया में विमान को ले जाया गया और वहां पर इमरजेंसी गेट्स खोले गए, यात्रियों को स्लाइड से नीचे उतारा गया। और जगदलपुर में दो अलग अलग